वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर धीरज कुमार पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार पर इल्जाम है कि इनके राज में प्रोटेस्ट करना पाप है। नीरज कुमार जी, आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस में कमियां हैं। जब जब पब्लिक, चाहे वो 16 दिसंबर की घटना हो या अप्रैल की घटना हो, नाराज होकर पब्लिक जब सड़कों पर निकली तो पुलिस ने उसकी अच्छे से पिटाई की, बड़ी बेरहमी से पेश आए। दिल्ली में हर साल करीब 6,000 मुजाहरे, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट होते हैं, और आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह की ऐसा कभी मौका आया कि पुलिस को एक्शन करना पड़ा। जो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, जब पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, वो जब स्थिति काबू के बाहर हो गई, जब उस जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था जहां पर 144 लगा हुआ था, जब उस जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था जहां पर रिपब्लिक डे की तैयारी चल रही थी, जब वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था जहां पर अगले दिन रशिया के प्रेसिडेंट साहब आने वाले थे, मिस्टर पुतिन हैदराबाद हाउस आने वाले थे, तो ऐसे, और जब उनको कई दफ़ा सारे दिन कई दफ़ा वाटर कैनन, टीयर गैस और माइल्ड केन चार्ज करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इसके बावजूद वो जब कंट्रोल में नहीं आए और हमको उस अनलॉफुल असेंबली को शाम को अंधेरे होने से पहले उनको डिस्पर्स करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो दिन भर के जद्दोजहद के बाद हमने फोर्स का इंतज़ाम इस्तेमाल किया। मैं नीरज कुमार जी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ उस समय की। इन तस्वीरों से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे लोग हैं जिन पर अभी ये जो घटना हुई है, इसकी ये तस्वीर देखिए। ये एक मेल पुलिस वाला एक महिला को पकड़ के मार रहा है, हाथ जोड़ रही है वो महिला, दिखाइए। ये देखिए, अब मैं आपको पहले की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं जिनके पर पुलिस लाठी मार रही है। इसमें कोई हुलिगन लुम्पर एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा। ये मैंने तस्वीर देखी हुई है, ये देखिए, मैंने फुटेज भी देखा हुआ है, लेकिन अगर आपने शायद ये नहीं देखा होगा कि ये लड़की, अगर नहीं देखा और ये देखा है उसके बाद आप ऐसी बात करें, मुझे बड़ी तकलीफ होगी। हाथ जोड़ रही है पुलिस वालों के सामने, जो लाठी उसके ऊपर चला रहे हैं, साफ दिखता है कि जैसे कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची हो। इन नौजवानों पर लाठी चलाकर पुलिस को खुशी हुई होगी? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों चलाई? मैंने आपको वो तमाम हालात बताए जिन हालातों में पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा, और हमारे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप कह रहे हैं कि इन लोगों को समझा बुझा के पुलिस बात करके वहां से हटा नहीं सकती थी? सारा दिन कोशिश की गई, लेकिन लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का, डेमोंस्ट्रेशन करने का? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उसको कानून के दायरे में करना पड़ता है। आपने 144 धारा के जहां लगी हुई है वहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, धारा 144 तो आप ही लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब जनता कहीं जाकर प्रोटेस्ट करना चाहती है वहां धारा 144 लगा देते हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर देते हैं, इंडिया गेट पर ताले लगा देते हैं। देखिए, जब कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, जब पुलिस को कोई शौक नहीं है, अगर शौक होता तो यहाँ भी हम लोग 144 लगा देते लेकिन हमें शौक नहीं है। बॉस्टन ब्लास्ट के बाद 3 दिन तक पूरा शहर बंद रहा, क्योंकि टेररिस्ट की तलाश होने वाली थी। पूरे शहर ने कोऑपरेट किया। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। क्या हिंदुस्तान शहर में ऐसा हो सकता है? क्या हिंदुस्तान शहर में
अगर कर्फ्यू हम लगा दें पूरे शहर में तो कोई उसको स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक कल्चर है, हमारा जो एक स्वभाव है, हमारा जो एक अप्रोच है, वो एक कोऑपरेशन का अप्रोच नहीं है। अगर हमें मालूम है कि इस लाइन के आगे हमें नहीं जाना है, अगर पुलिस ने एक लाइन बना दी, एक बैरियर बना दिया, उसको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन यहाँ का कल्चर ही उसको तो ज़रूर क्रॉस करेंगे। पुलिस के बैरियर को तो ज़रूर तोड़ेंगे। आप मुझे सर इतना बता दीजिए कि जो दिसंबर की घटना हुई या अप्रैल की घटना हुई, जिसको लेकर के इस देश के लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी है, लड़कियों में, माओं में, बहनों में, और वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, हमारे मन में नाराज़गी है, तो कहाँ जाएंगे? उनके लिए जगह बना हुआ है, उनको जनता कह देंगे बुराड़ी गांव में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करिए? हमने ये क्या कहा रजत जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जंतर मंतर बुराड़ी गांव में है, तो फिर शायद आपको नहीं, जंतर मंतर पर भी जिन्होंने प्रदर्शन किया, क्या उनको पुलिस ने लाठी नहीं मारी? क्या उनको पुलिस ने? बिल्कुल नहीं मारी। उस दिन भी उनको यही कहा गया, जिसको भी प्रदर्शन करना है आप वहाँ कीजिए। प्रदर्शन करने वाले ऐसा नहीं कि प्रदर्शन करने वाले पहुँचे और उन पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। आप अगर अभी मेरे साथ चलेंगे जंतर मंतर पर, तो कम से कम वहाँ 3,000 लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आज इस वक्त, अलग अलग फिक्रों के। यहाँ बैठे लोग कह रहे हैं, हम इनकी बात सुन लेते हैं। आप अगर इनमें से कोई लोग हैं जिन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया, जो कुछ कहना चाहते हैं? या सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन सर वहाँ पर जाने के बाद जो अभद्र व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया वो बहुत बुरा हुआ। मेरे साथी में से एक साथी को पुलिस वालों ने 6 डंडे मारे और उसके बाद वो उसे घसीट के ले गए और फिर वहाँ से उनको छोड़ दिया गया। सेम वही कानून लागू कर रहे हैं सर, आज के पुलिस वाले वही कानून लागू कर रहे हैं जो अंग्रेजों का टाइम रॉलेट एक्ट एक कानून उन्होंने लागू किया था, जो बिना कारण पूछे ही मुकदमा चला देते थे और जेल में डाल देते थे और लाठियां चार्ज कर देते थे। सेम वही आज रॉलेट एक्ट दिल्ली पुलिस ला रही है। ऐसा क्यों सर? क्यों रॉलेट एक्ट जैसा एक दमनकारी कानून लागू किया जा रहा है? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ कि आप वहाँ कितने बजे गए? वहाँ पे मैं 10 बजे गया था। और ये लाठी आप पर कितने बजे पड़ी? ये लगभग शाम के टाइम पड़ी थी। हाँ यस सर। दिन भर में क्या हुआ वो तो आपने देखा होगा। दिन भर में गैस के गोले दागे गए? नहीं, पानी का बौछार किया गया। हाँ, क्यों बौछार किया गया? क्या हमें शौक है आपको नहलाने का? मेरा भी सर, मेरा भी शौक नहीं है, ये मेरा अधिकार है। मेरा संविधान ने अधिकार दिया है मुझे प्रोटेस्ट करने का। हम कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन प्रोटेस्ट आप सब जगह तो नहीं कर सकते। आप यहाँ उठ के प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे कोई सुनेगा नहीं तो सर। नहीं, प्रोटेस्ट करने का कि एक जगह मुकर्रर की गई थी, यस सर, वहाँ 144 लगा हुआ था, ये सबको पता है कि वहाँ 144 है वहाँ पर, लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने आपको बर्दाश्त किया सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक, और जब बार बार आपको क्या नाम है वाटर कैनन आप पर मारे गए, उसके बावजूद आप डिस्पर्स नहीं हुए, पुलिस के हिदायतों को आपने नहीं फॉलो किया, तब हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। जिन नौजवानों के बारे में आप कह रहे हैं कि वो उद्दंड हो गए थे, उनको रोकने की कोशिश की, दफा 144 जहां लगी वहां गए, उनके बारे में जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा ये आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि युवाओं ने हमें रास्ता दिखाया, यहां तक कि जब उन्हें उकसाया गया तब भी उन्होंने रिएक्ट न करके शांति बनाए रखी। देखिए, अब जस्टिस वर्मा के स्टेटमेंट का खंडन तो करना उचित नहीं होगा, और लेकिन वहां क्या घटा वो तो CCTV उस सारे चैनलों ने कवर किया है। ये जो सज्जन जो मेरे से सवाल पूछे थे, उन्होंने खुद बताया कि 10 बजे से सुबह से थे, उससे पहले भी लोग गए हुए थे। हमने अगर लाठी बरसाना ही था उस बर्बरता से, तो हम शुरू में ही शुरू कर देते,
लेकिन एक स्थिति आई, थोड़ी फर्क पड़ता है कि आपने सुबह लाठी नहीं चलाई शाम को चला दी तो बड़ा एहसान कर दिया, ये तो नहीं नहीं फर्क नहीं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर आपका बच्चा आपके सामने आया और आपने एक ऐसा तो है नहीं कि आपको उसने आप उसको तमाचा मार देंगे बिना किसी वजह से या आप उसको डांटेंगे बिना किसी वजह से, अगर कोई वजह होगी, कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी जब आप सोचते हैं कि उसको डिसिप्लिन करना है, तो आप उसको चाटा मारेंगे, उसको डांटेंगे या उसको समझाएंगे फुसला। लेकिन वो अगर स्थिति नहीं आती है तो आप क्यों करेंगे? हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि पब्लिक सेंसिटिव नहीं है, कोई सड़क पे पड़ा हो तो उसके लिए सामने नहीं आती हैं, और दूसरी तरफ जो पब्लिक रेप लॉ के लिए जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है, उस लड़की के लिए न्याय मांग रही है जिसका उनसे कोई रिलेशन नहीं था, उस 5 बरस की बच्ची के लिए न्याय मांग रही है जिसको शायद उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा, उसका नाम भी उनको नहीं पता। तो जो पब्लिक इतनी सेंसिटिव है, जो ऐसा इमोशन जिसके मन में है, वो अगर डेमोंस्ट्रेशन करे और 144 भी लगी हो तो क्या फर्क पड़ता है? ये बताइए, ये बताइए, मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ, ये जो अभी हाल की घटना हुई उसके बाद डेमोंस्ट्रेशन हुए, उस पर क्या किसी पर लाठी चली? लाठी तो नहीं चली, लेकिन धक्के बहुत पड़े। एक तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई थी, धक्के तब पड़े जब वो पूरी पुलिस बैरियर को वो क्रॉस कर रहा था। हमने अगर मान लीजिए हम ऐसे होते हैं कि लोग जमा हुए और उन पर लाठी बरसाना हम शुरू कर दें, दिल्ली की पुलिस या कहीं की पुलिस ऐसी नहीं होती है। पुलिस को जब भी फोर्स इस्तेमाल करना होता है तो एक कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जब जो फोर्स को डिमांड करती है, क्योंकि याद रखिएगा उसको फिर बाद में जस्टिफाई करना पड़ता है। आपने फोर्स अगर यूज़ किया है तो आपको कानून के सामने, कोर्ट्स के सामने जवाब तो मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका हम जवाब हम दे रहे हैं ना, हम जवाब ऐसा है थोड़ी है कि हम जवाब नहीं देंगे। अब तक हम पुलिस फोर्स पर आरोप लगा रहे थे, आप पर भी कुछ इल्ज़ाम मुझे लगाने हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार पर जनता के इल्ज़ाम बात करते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लोग नारे लगाते हैं, दिल्ली पुलिस हाय हाय, नीरज कुमार इस्तीफा दो, तो कभी मन नहीं करता कि छोड़ के चले जाएं?